तो फाइनली क्या चल रहा है गाइज, कैसे हो आप सब? क्या आपके यूट्यूब चैनल में दिक्कत है अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे? क्या उनकी सेटिंग्स में कुछ दिक्कत हो सकती है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो ही सकती है ना। मतलब इतने लोगों के मुझे मैसेज आते हैं भाई, दिन में 2-5-10 कभी कभी 6-7 लोगों के मैसेज आते रहते हैं, भैया आप हमारा चैनल चेक कर दो, भैया आप हमारा चैनल प्रमोट कर दो। क्योंकि मेरा खुद का चैनल उतना बड़ा नहीं है मेरे भाई, तो मैं आपका चैनल कैसे प्रमोट कर सकता हूँ यार? मेरे 30 व्यूज आते हैं, आप 30 व्यूज लेना चाहते हैं, मैं कर दूंगा प्रमोट आपका, क्या फ़ायदा होगा इससे? मेरे खुद के 30 आ रहे हैं तो आपके 3 आएंगे मेरे भाई, तो उससे क्या फ़ायदा यार? मतलब चैनल प्रमोशन वाली तो बात ही ना की जाए, अभी तो अच्छा है। और दूसरी चीज़ की चैनल की सेटिंग्स में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसके बारे में ज़रूर मैं आज बात करने वाला हूँ, ताकि आपको क्लेरिफिकेशन दे दूँ। और आप मुझे व्हाट्सएप पे आके मैसेज ना करो, और मतलब अपन बात करने के लिए मैंने नंबर दिया है कि कुछ दिक्कत विक्कत हो तो, ये कोई दिक्कत नहीं होती मेरे भाई, इसी के बारे में बात करने वाला आज के वीडियो में। तो चलो फिर बिना आपका दिमाग को टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो यार, सिंपली अगर YouTube के बारे में बात किया जाए तो YouTube एक प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में चलता है लगभग कुछ एक देशों को छोड़ के। तो ये इतना बड़ा है कि इस पे इतने सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि आज से आप देखना चालू करोगे तो 80,000 साल लगेंगे आपको। झूठ नहीं बोल रहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 80,000 साल लगेंगे आपको पूरा YouTube देखने में। और इन 80,000 सालों में और वीडियो अपलोड हो जाएंगे, तो फिर आप कैसे देख सकते हो? ऐसा कोई सिस्टम, मतलब मैन्युअली कोई इंसान उसको चेक नहीं कर सकता। तो YouTube ने उसके लिए एक सिस्टम बनाया जिसको कि हम एल्गोरिदम कहते हैं। वो एक सॉफ्टवेयर है कुछ, वो अपने हिसाब से काम करता है, वो चीज़ों को ट्रैक करता है, जितना लोग उन्हें देखते हैं उस हिसाब से वो डिसाइड करता है सारी चीज़ें कि मुझे किस वीडियो को आगे पहुँचाना, किस वीडियो को नहीं पहुँचाना। आपका थंबनेल रहता है, आपका टाइटल रहता है, आपके टैग्स वगैरह रहते हैं, आपके वीडियो को वॉच टाइम रहता है, आपके वीडियो का कंटेंट रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कंटेंट किंग है, और थंबनेल है वो कुछ है ही, उसका मंत्री तो होगा ही भाई, थंबनेल बहुत जरूरी है, कंटेंट किंग है, सीधी बात मैं बस यही कहना चाहता हूँ आपको। तो अगर आपके व्यूज नहीं आ रहे तो आप ये तो सोचे ही ना कि आपके सेटिंग्स पे कुछ दिक्कत है, आपके चैनल में कुछ दिक्कत है। एक चीज़ आप जो कर सकते हैं वो कैटेगरी वगैरह आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं, एक बार रीचेक कर सकते हैं जब आप वीडियो अपलोड करने जाएंगे। तो फिर जैसे आप थंबनेल वगैरह सेलेक्ट करते हैं क्रिएटर स्टूडियो में, तो वहाँ पे एक एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाएंगे तो पहली बार में ही आपको मिल जाता है। इस ऐप पर अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं पूरा समझा दूंगा आपको। वहाँ पे जाके आप कैटेगरी वगैरह जरूर कर सकते हैं, कहीं हो सकता है आपका गेमिंग का चैनल और आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रखा हो, कॉमेडी कर रखा हो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। मुझे नहीं पता यार इस चीज़ का कितना फ़र्क पड़ता है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं जानता हूँ, तो बट फिर भी मैं कहूँगा कि यार कैटेगरी दे रखी है तो कुछ तो फ़र्क पड़ता होगा उसका। तो आप वो कैटेगरी जाके अपना जो चैनल है उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अपना थंबनेल बढ़िया बनाइए, टाइटल अच्छे से रखिए, और टैग्स डिस्क्रिप्शन वगैरह अच्छे से डालिए। मैं तो उतना डालता भी नहीं हूँ यार, टैग्स डाल देता हूँ 2-3 जो कि टाइटल से रिलेटेबल होते हैं। बाकी अपना कंटेंट पे ध्यान रखिए, देखो सबसे मेन चीज़ कंटेंट है आपका। तो यही बात है, आपको ऐसा बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये डिसरेस्पेक्ट वाली बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे थॉट कहाँ से आ जाते हैं। आप सिर्फ अपने कंटेंट पर फोकस करें यार, मतलब कि चैनल में दिक्कत है, ये है, प्रमोशन कर दो। मेरे भाई, मेरे खुद के आपको पता है ना 30 व्यूज आते हैं, इतने मुझे मैसेज आते हैं भैया आप चैनल प्रमोट कर देते हो क्या यार? मेरे भाई चैनल तो प्रमोट कर देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन मैं कहाँ करूँ प्रमोट बताओ? मेरे 30 व्यूज आ रहे हैं वहाँ पे करूँ मैं, ताकि आपको 3 व्यूज या 1 व्यूज मिल जाए? चाहते हैं तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मैसेज तो आप ना ही करें तो अच्छा है यार, क्योंकि मैं खुद प्रमोट नहीं कर सकता, मुझे खुद प्रमोशन की ज़रूरत है, लेकिन मैं नहीं करवा रहा हूँ भाई। प्रमोशन का कभी फ़ायदा नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ो तो खुद की हिम्मत से बढ़ो, खुद की मेहनत से बढ़ो, लेकिन फिर भी जिनको ज़रूरत रहेगी उनका प्रमोशन इन फ्यूचर करेंगे, अगर कभी हमें मौका मिला इस चीज़ को करने का। तो ये था, चैनल में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, यूट्यूब का सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है, वहाँ पर कुछ मैनुअली नहीं होता है कि आप चैनल में कुछ चेंज कर दोगे तो कुछ हो जाएगा। चैनल बनाओ, चैनल सब कुछ सही बनता है, कैटेगरी सेलेक्ट करो और उसके बाद वीडियो ड्रॉप करना चालू कर दो। तो आई होप सो कि चीज़ें समझ आ गई होगी। और पूछना चाहूँगा यार, वीडियो को लास्ट तक देखा है ना, मैं जो जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ इनकी कितनी वैल्यू है आपके लिए, क्या मतलब आप रियल में वैल्यू रखते हो इन सब चीज़ों की, नीचे कमेंट करके लिख के अब जाया करो यार। मतलब मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ आपको, जो होता है रियलिटी बताता हूँ, सुनने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती होगी भले ही, बट रियल बातें बताता हूँ, जो कि हो सकता है मैं नहीं बताऊँगा तो आपको खुद 6-7 महीने बाद जाके रियलाइज़ होगी, लेकिन वो चीज़ें मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिए फिर, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और क्या कहूँ यार आपको, जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।